और दोस्तों क्या हालचाल है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू ऐड वर्चुअल रैम स्टोरेज, यानी कि इस फोन में रैम मेमोरी कैसे बढ़ाए। दोस्तों सबसे पहले फोन के सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स ओपन करने के बाद यहाँ सर्च बार पे फाइंड करेंगे एक्सटेंशन। अब इस इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके सीधा रैम सेटिंग्स में जा सकते हैं, या तो फोन सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे आइए। नेक्स्ट एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स से कई सारे हिडन फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ एक स्पेशल फीचर्स दिया गया है मेमोरी एक्सटेंशन, इस पर टैप करके यहाँ आप वर्चुअल रैम स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। यहाँ 2 GB से लेकर 5 GB तक रैम स्टोरेज बढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपकी इंटरनल स्टोरेज के ऊपर। मेरा डिवाइस में ऑलरेडी 2 GB रैम ऐड किया हुआ है, अब हम 5 GB तक बढ़ाएंगे। रिबूट योर डिवाइस टू अप्लाई चेंजेस। रिबूट पर टैप करके डिवाइस रिस्टार्ट करना होगा। रिबूट का मतलब है फोन को एक बार स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लेना, उसके बाद वर्चुअल रैम मेमोरी ऐड हो जाएंगे। गाइस डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद रैम मेमोरी चेक कर सकते हैं। पहले 6 GB था, अब वर्चुअल रैम ऐड होके 11 GB हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से अब अपने फोन में वर्चुअल रैम स्टोरेज ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इंटरनल स्टोरेज का कुछ हिस्सा वर्चुअल रैम ले लिया। एग्जाम्पल, पहले इस फोन में 6 GB रैम यानी 128 GB इंटरनल स्टोरेज था। रैम एक्सटेंशन करने के बाद रैम हो चुका है 11 GB और इंटरनल स्टोरेज हो गया है 123 GB। बाद में जब रैम एक्सटेंशन फीचर्स ऑफ कर देंगे तब इंटरनल स्टोरेज 128 GB हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जब जरूरत हो वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करते हो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल था। तो हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।